मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे द्वारा विद्यमान उप मुख्यमंत्री और राज्य के गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस को बोले गए कलंक शब्द से सियासी वातावरण में उफान आ चुका है, जिसके चलते दोनों गुटों द्वारा अपनी प्रतिष्ठा बरकरार रखने के उद्देश्य से विभिन्न आंदोलन किए जा रहे हैं। उसी श्रेणी में भारतीय जनता पार्टी युवा वॉरियर द्वारा देवेंद्र जी हमारा अभिमान इस अभियान की शुरुआत की गई। इस अभियान के तहत युवाओं द्वारा 30,000 पत्र उद्धव ठाकरे के निवास स्थान मातोश्री पर भेजे जाएंगे, जिसमें उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के सभी कार्य विदित कर युवा अपनी प्रतिक्रिया लिखेंगे। इस कार्यक्रम के दौरान बोलते हुए उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के मानद सचिव संदीप जोशी ने कहा कि ये अभियान बड़ी ही शांति और सकारात्मकता के साथ निभाया जाएगा। पुतले जलाना और आक्रामकता से विरोध प्रदर्शन करना योग्य नहीं, क्योंकि हमारा नेता शिक्षित और सकारात्मक दृष्टि से कार्य करने वाला है। दो बार नगर सेवक और 5 बार विधायक रह चुके हमारे नेता, जिन्होंने राज्य की काया पलट कर दी, वो नागपुर के लिए ही नहीं तो पूरे राज्य के लिए अभिमान है। इस समय युवा वॉरियर के युवाओं ने देवेंद्र जी हमारा अभिमान लिखे हुए टी शर्ट्स पहने हुए थे। पहिल्यांदा आम्ही आंदोलन केलं, कार्यकर्त्यांमध्ये अत्यंत क्षोभ होता, अत्यंत संताप होता की या पद्धतीचं वक्तव्य सन्माननीय उद्धव ठाकरे यांनी केलंच कसं। परंतु त्यानंतर कार्यकर्त्यांनी असं ठरवलं की पुतळे जाळणं, शिव्या देणे यापेक्षा आमचा नेता हा पॉझिटिव्ह नेता म्हणून ओळखला जातो, आमचा नेता हा युवकांना खरा प्रेरणास्थान असणारा नेता म्हटला जातो, आमचा नेता हा केवळ काहीतरी शिकून असलेला बाहेर आलेला नेता नव्हे तर LLB LLM गोल्ड मेडलिस्ट असणारा नेता आमचा आहे। आणि त्याशिवाय 22व्या वर्षापासून नगरसेवक, तर 2 वेळा नगरसेवक, 2 वेळा महापौर, 5 वेळा आमदार असणारं या राजकारणातलं उच्च शिक्षण व्यक्तिमत्व जर कोणी असेल तर ते आमचे देवेंद्र फडणवीस आहे। आणि त्यामुळे एक पॉझिटिव्ह आंदोलन म्हणून आमच्या भारतीय जनता युवा मोर्चाच्या युवा वॉरियर्सने हे पॉझिटिव्ह चळवळ सुरू केलेली आहे। आणि त्याकरता आम्ही माननीय उद्धव ठाकरे यांना या पद्धतीने पत्र लिहितो आहे की आमचे देवेंद्र फडणवीस केवळ नागपूरचाच नव्हे तर आमचे देवेंद्र फडणवीस हे संपूर्ण महाराष्ट्राचा अभिमान आहे। आणि नागपूर शहरातून 30,000 पत्र या पद्धतीने माननीय उद्धव ठाकरे यांना आम्ही त्यांच्या पत्त्यावरती आम्ही आता पाठवत आहोत। इस प्रकार से चल रहे आरोप प्रत्यारोप और प्रति उत्तरों की राजनीति का असर आखिर राज्य की सियासत को किस मोड़ पर ले जाएगा, ये देखना काफी रोचक होगा। NBC न्यूज के लिए कैमरा पर्सन राजकुमार मोड़ के साथ मनीष टेमरे की रिपोर्ट।